हेलो दोस्तों, लेथ मशीन तो है बट देसी है। तो देसी लेथ मशीन में गियर का चार्ट अवेलेबल नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। लेथ मशीन है, देसी है और उसमें चार्ट अवेलेबल नहीं है। आपको थ्रेड काटना है और चार्ट नहीं है, बट काटेंगे कैसे, गियर सेटिंग कैसे करेंगे, ये पूरा चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे कि गियर सेटिंग उसमें कैसे करेंगे। कोई भी पिच के लिए आज मैं इसमें बताऊंगा को किसी भी पिच के लिए गियर सेटिंग कैसे करना है, कैसे उसमें थ्रेड काटना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए और बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि देसी लेथ मशीन में चार्ट नहीं है, गियर सेटिंग करना है और थ्रेड काटना है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर। अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है गियर सेटिंग करने के लिए? फॉर्मूला है पीच, ठीक है ना। पी इज इक्वल टू पीच इंटू लीड, लीड यानी कि जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है, इंटू 5/127। ये है फॉर्मूला। अब आप इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि पीच किसे कहते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं पीच। लीड किसे कहते हैं? तो लेथ मशीन में एक स्क्वायर जो नीचे में लीड बना हुआ रहता है, आप देखे होंगे फीड रॉड के नीचे लीड स्क्रू रॉड रहता है, वो लीड स्क्रू वो कितना पीच का है, लीड स्क्रू आपका लीड जो है कितना है, उसका पीच कितना है, वो जानना हम लोग को जरूरी है। और उसके बाद में 5/127, ये 5/127 कहाँ से आया वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए इसको जानते हैं कि 5/127 कहाँ से आया और कैसे हम लोग गियर सेटिंग करते हैं। तो गियर सेटिंग नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं, तो लेथ मशीन में ऊपर में एक ड्राइवर लगा हुआ रहता है, बीच में एक मीडिएटर लगा हुआ रहता है और नीचे में ड्रिवन लगा हो रहता है। तो मीडिएटर हम लोग कोई भी गियर लगा सकते हैं, बट ड्राइवर और ड्रिवन इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला जो आएगा संख्या वो होगा ड्राइवर, नीचे वाला जो संख्या आएगा वो होगा ड्रिवन। तो ड्राइवर ये हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया ड्रिवन, मीडिएटर आप कुछ भी लगा सकते हैं गियर सेटिंग करने के लिए। अब सपोज यहां पर हम लोग फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला यहां पर बनता है ड्राइवर बाय ड्रिवन इजिकल टू, जैसा मैंने बताया, पीच इंटू लीड इंटू 5/127। बट ये फॉर्मूला में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 5/127 आया कहाँ से है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि 1 इंच इजिकल टू 25.4 mm, ये तो हम लोग वाकई जानते ही होंगे, सब कोई जानते होंगे। तो यहाँ पर 1 mm इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/25.4। अब जब इसका हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा जो है ऊपर में जीरो चला जाएगा, यानी कि दसमिक हटने से वो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/25 254, है ना, 10/254। अब इसको हम लोग थोड़ा रिसॉल्व करते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11 2 7 जा 14, यानी कि 5/127। आप समझ गए कि 127 कहाँ से आया, 5/127 कहाँ से आया, आप लोग समझ गए। अब फॉर्मूले के अनुसार हम लोग को 5/127 मिल चुका है। हम लोग का गियर कितना तक अवेलेबल रहता है, 20 से 127 स्टैंडर्ड, जो कि हर जगह नीचे में लगा हुआ ही होता है, 20 से स्टार्ट होता है। इसके बीच में हम लोग का गियर मिलने से हम लोग का पीच कट जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट इसमें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं आप लोग को बताने के लिए नहीं भाई साहब, समझाने के लिए। सपोज एग्जाम्पल, यहां पर हम लोग को काटना है 2 mm का पीच, 2 mm का पीच काटना है और आपका लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू है वो दिया गया है 4 TPI, ठीक है ना। 2 mm का पीच है और लीड स्क्रू दिया गया है 4 TPI। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है हम लोग को उसको पुट करेंगे, पीच इंटू लीड इंटू 5/127। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पीच हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू लीड स्क्रू 4
इंटू 5 बाई 127। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा सा बात है कि अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, इंटू करने से कितना आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, 22 जा 40, 40 बाई 127, ये आपका आ रहा है 40 बाई 127, 40 का गियर अवेलेबल रहता है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो लेथ मशीन होता है जिसमें एक लीवर लगा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है बी ए सी बी, ऐसा लिखा हुआ रहता है, और हम लोग को ये जो एक लीवर रहता है उसको इधर भी घुमाना पड़ता है, इधर भी घुमाना पड़ता है ना। अब जो ये 40 आया है किस में आता है, ये ज़्यादातर अक्सर बी में आता है ना, बी में आता है। अगर हम लोग इसको सी में करेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली 1 mm का पीच कटेगा, और इसमें कर देंगे तो 2 का जगह 4 mm का पीच कटेगा अगर ए में कर देंगे तो। अब यहाँ पर और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 mm पीच का, कितना का 4 mm पीच का, और हमारा जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू है वो 2 TPI है, कितना है 2 TPI है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था फिर से एक बार मिलके बोलेंगे फ्रेंड्स, पीच इंटू लीड इंटू 5 बाई 127, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना क्या है, पीच इंटू लीड इंटू 5 बाई 127। 127 कहाँ से निकला है वो मैंने बता दिया है कि 127 कहाँ से निकला है, आप लोग समझ गए हैं, यहाँ पर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिए। अब हमारा इसमें जो है पीच कितना है, तो हमारा पीच है 4 mm इंटू लीड कितना है, लीड है 2 TPI इंटू 5 बाई 127। अब यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 4 5 20, 4 5 20, और 22 जा कितना आ रहा है यहाँ पर 40 बाई 127। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर लीड स्क्रू हमारा था 4 TPI, यहाँ पर लीड स्क्रू है 2 TPI, लेकिन यहाँ पर हम लोग का पीच काटना है 2 mm, यहाँ पर हम लोग का पीच काटना है 4 mm। अगर आपका पीच मायने रखता है तो इतना याद रखिएगा, लेथ मशीन में आपका TPI भी उतना ही मायने रखता है। अब यहाँ पर मैं और एक ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सपोज मान लेते हैं 6 mm, 6 mm पीच है, और हमारा जो लीड स्क्रू है वो 4 TPI है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पर हम लोग का ठीक उसी तरह से 4 × 6 × 5 बाई 127 ये लिखा गया है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 6 5 30, और 30 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटू कर लेते हैं 30 14 0 4 3 12, यानी कि 120, यहाँ पर आ रहा है आपका 120 बाई 127 गियर। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग का 120 आ रहा है गियर, बहुत बड़ा गियर हो जा रहा है, यानी कि रेशियो हम लोग का बहुत बढ़ जा रहा है गियर का, यानी कि ये जो है मशीन जो है बहुत अलग तरह का इसमें रेशियो आ जा रहा है, तो हम लोग इसको कम करेंगे। अब ये जो हम लोग का कटेगा किस में कटेगा, मैंने बताया था आपका बी के लीवर में कटेगा, बट इससे कम क्या होता है, सी होता है, यानी कि अगर इसमें हम लोग 60 बाई 127 भी लगाएंगे तो भी आपका 6 mm का पीच कटेगा, यानी कि हम लोग लगा सकते हैं बी के बाद में जो सबसे कम होता है सी, सी में जो है कम का कटता है उसका आधा, यानी कि 60 का भी गियर लगाएंगे तो हम लोग का कटेगा। आई होप कि ये पूरा वीडियो, होल ऑफ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन एक बार प्रेस कर दें, न्यू विजिटर्स जो विजिट किए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।